वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेलेक्ट के बारे में। तो सेल स्क्रिप्ट में सेलेक्ट कैसे काम करता है, जैसे आपने देखा होगा, आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो सीएमडी में ऑप्शन आता है ना कि आपको ये वर्ज़न इंस्टॉल करना है या ये करना है, मतलब लिस्ट दे देता है एक तरह से कि पहले पर 7 वर्जन है, सेकेंड पर 8 वर्जन है, 10 पर ये वर्जन है, ठीक है ना, 3 पर 10 वर्जन है। तो आप सेलेक्ट करते हो यहाँ पर कि हाँ भाई 1 वाला कर दो, फिर एंटर मारते हो तो वो इंस्टॉल होने लग जाता है। तो उसके पीछे जो लिखा हुआ होता है वो उस तरीके से होता है थोड़ा, उसमें वो क्या करता है आपसे पूछता है कि भाई सेलेक्ट करो, ठीक है, यहाँ पर आप वेरिएबल का नेम रख लो। वेरिएबल का नेम कोई भी हो सकता है कि यूजर नेम एक्स वाई जेड या सिंपल नेम, ये कुछ भी हो सकता है आपको, ठीक है। इन अब यहाँ पर आप ऑप्शन क्या देना चाह रहे हो उसको, हम उसके बोलते हैं कि भाई आप यूजर हो, एम्प्लॉय हो या कस्टमर हो, मतलब शॉर्ट में दे दिया यूजर EMP कस्टमर। अगर ये हो तो ठीक है, उसके बाद मतलब जो भी आपको करना है काम कि यस माई यस डेटा, उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस वाले वेरिएबल को डॉलर नेम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बस डन, इतने काम करते हैं इसमें। अब इस फाइल को मैं रन करता हूँ, ये जैसे मैंने सेलेक्ट करा तो वो हमसे पूछ रहा है भाई आप कौन हो, यूजर हो, एम्प्लॉय हो, कस्टमर हो। अब हम बताएंगे कि भाई हमें एम्प्लॉय हैं, मैंने सेकेंड दबाया, एंटर करा, ये आ गया यस डेटा और इस वेरिएबल में आ गया एम्प्लॉय कि इस बंदे ने एम्प्लॉय को सेलेक्ट करा है। अब इसके बेसिस पे आपको कोई भी कंडीशन लगानी है आप लगा सकते हो। कंडीशन के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, इफ एल्स लगा लो, केस लगा लो, जो मर्जी वो लगा लो। चलो हम ये केस लगा लेते हैं। तो देखो केस का आपको आइडिया होगा, अगर आइडिया नहीं है तो मेरी वीडियो जाके देख सकते हो केस वाली, जिसमें मैंने बता रखा है। इसको थोड़ा सही कर दिया। यहाँ हम पूछेंगे कि जो नेम है, अगर नेम इन, अगर यूजर सेलेक्ट करा तो हम बता देंगे यूजर इन ऑनलाइन, एम्प्लॉय करा तो एम्प्लॉय इज ऑनलाइन, कस्टमर करा तो कस्टमर, मतलब इस तरीके से दिखा देंगे मैसेज। और यहाँ पे यस डेटा, इसको मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से, हाँ ये क्या सेलेक्ट करा है वो आ जाएगा। इसको क्लियर करते हैं, ये सेलेक्ट करा, हमसे पूछ रहा है कि यूजर है, एम्प्लॉय है, कस्टमर है, हम करते हैं 3 वाला इस बार, ये बता रहा है कस्टमर, ठीक है। अगर मैं मान लो मैं करता हूँ इसको 1 कर देता यूजर, तो बताया था कि यूजर इज ऑनलाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना यहाँ पे जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कि भाई यूजर है तो यहाँ कोई फाइल डिलीट हो जाए, राइट हो जाए, जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।